हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बिजनेस जंक्शन की एक और शानदार बेहतरीन वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपनी भूमिका पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे बिजनेस के बारे में बात करेंगे और आगे से भी आपको वीडियो में कोई ज्यादा फालतू बातें नहीं करेंगे, सीधा बिजनेस के बारे में बात किया करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं वो है सैलून का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, यही जो कटिंग का, जिसे हम हिंदी में नाई भी बोलते हैं, गांव देहात में नाई बोला जाता है, उसी बिजनेस के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी घर पर खाली बैठे हो या कम पढ़े लिखे हो और कोई बिजनेस ढूंढ रहे हो या कोई काम ढूंढ रहे हो तो आप सैलून का काम भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सैलून का काम शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है आपको सैलून का या नाई का काम आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको कटिंग करने का काम आना चाहिए तभी आप सैलून के काम को शुरू कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये काम आपको नहीं आता तो आप किसी अच्छे सैलून वाले के पास जाकर भी इस काम को सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इस काम में केवल दाढ़ी बनाना या कटिंग करना यही नहीं सीखना, आपको फेशियल करना आना भी आना चाहिए, ब्लीच करना भी आना चाहिए, जो धागे से कटिंग करके ऊपर की बोहे या दाढ़ी निकालते हैं वो भी आपको आना चाहिए। मीन्स सैलून में जो जो काम होता है प्रॉपर काम आपको आना चाहिए, आपको बाल स्ट्रेट करने आने चाहिए, ये सब काम आपको आना चाहिए। क्योंकि जब आपको ज्यादा काम आता है तभी कस्टमर अलग अलग रिक्वायरमेंट के साथ आपके पास आता है। जी हाँ दोस्तों, सैलून का काम एक ऐसा काम है जो पूरे 12 महीने चलता है और आप भी देखते हो गांव देहात में सैलून वाले के पास हमेशा भीड़ लगी ही रहती है। तो आप भी इस काम को शुरू करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, ये पूरे 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। अब दोस्तों, इस काम को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं दुकान की। जी हाँ दोस्तों, दुकान एक बहुत इंपॉर्टेंट है इस काम के लिए। आपको मिनिमम साइज बता देता हूं दुकान के लिए, तो दुकान के लिए मिनिमम साइज होगा 10x10 यानी 10 फीट गुणा 10 फीट, 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा, ये मिनिमम रेंज होता है किसी भी सैलून की दुकान के लिए। अब इसके लिए आपको लोकेशन भी चाहिए, तो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए किसी गांव के चौराहे पे या फिर शहर के चौराहे पे, भीड़भाड़ वाले इलाके में, जहां पर लोग देख सके कि यहाँ पर एक सैलून की दुकान है और कस्टमर आपके पास ज्यादा से ज्यादा आ सके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस काम में आपको दुकान में रखना क्या क्या होगा या फिर इस काम के लिए आपकी लागत कितनी आएगी। दोस्तों अगर मैं लागत की बात करूं तो इस काम के लिए कम से कम आपको 20,000 रुपए स्टार्टिंग में जरूर चाहिए, क्योंकि सामान आता है जैसे बड़ी बड़ी कैंची हो गई, कंघे हो गई, कंघी हो गई, और फेशियल का सामान हो गया, ब्लीचिंग का सामान हो गया, हेयर कलर हो गया, ये सब चीजें आती है, तो इनके लिए पैसे की भी जरूरत पड़ती है। और सैलून की दुकान के लिए कुछ सामान सजावट का भी होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी दुकान साफ सुथरी रहेगी, अच्छी स्मेल करने वाली रहेगी जिसमें खुशबू अच्छी आए, तो आपके पास कस्टमर ज्यादा आएगा, ज्यादा टिका रहेगा, और कस्टमर का टाइम पास करने के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए जैसे एलईडी टीवी या फिर अखबार, इन चीजों की भी जरूरत आपकी दुकान में डेली पड़ने वाली है। क्योंकि कस्टमर आता है, कभी कभी कस्टमर को टाइम भी देना पड़ता है अपना काम कराने के लिए, आप खुद भी जाते होंगे और इस चीज का एक्सपीरियंस आपने खुद भी किया होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपने निवेश तो कर लिया, कमाई कितनी हुई। दोस्तों हमने पहले आपको बताया कि सैलून का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो पूरे 12 महीने चलने वाला बिजनेस है, और आपको तो पता ही है कि आज के टाइम में कटिंग और दाढ़ी का जो काम है जो पैसे ले जाते हैं वो कितने ज्यादा हो चुके हैं। तो सैलून के काम से आप डेली का 1000 से 15 रुपए आराम से कमा सकते हैं और अपने घर को आराम से चला सकते हैं। आप इसी के साथ साथ कोई पार्ट टाइम काम और भी कर सकते हैं जिससे कि आप कुछ और समय में कोई और काम कर सके और शाम के या सुबह के समय में आप सैलून का काम कर सके, तो इसी के साथ साथ आप दो काम भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सैलून का बिजनेस, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो, लास्ट में बोलना हो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला था लेकिन अब बोल देता हूं कि चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं था आपका दोस्त अंकुर लांबा और आप देख रहे थे बिजनेस जंक्शन की ये वीडियो। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।